आर्पिटेक में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज भी आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हमेशा की तरह एकदम कमाल की ताजा खबरें, आपको सुनने में मजा आएगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को बजाइए और वीडियो को पूरा देखिए। पसंद आता है तभी लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता तभी डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या पसंद नहीं आया। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए आज की भी टेक न्यूज शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं दोस्तों Xiaomi से। Xiaomi 14 CV जो कि Xiaomi का एक प्रीमियम प्रोडक्ट होने वाला है, जो कि मैं 12 जून को देखने को मिलने वाला है भारत में। यार Xiaomi काफी टाइम से इसे टीस कर रहा था। वैसे दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है जो कि कहा जा रहा है हमें भारत में अंडर 50,000 रुपीज में देखने को मिलेगा। अब देखते हैं स्मार्टफोन के क्या स्पेक्स रहते हैं और इसे किस कीमत पे भारत में लॉन्च किया जाता है। सैमसंग की बात करें दोस्तों, सैमसंग अपने 2 नैनोमीटर के प्रोसेसर का जो डेवलपमेंट का काम है जिसकी शुरुआत बहुत ही जल्दी करने वाला है। जी हाँ, जो कि कहा जा रहा है 2025 के हाफ में हमें इसका मास प्रोडक्शन का काम देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रोजेक्ट है जिसका नाम है 30, और ये एक एक्सिनोस चिपसेट होने वाली है जो कि कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज आएगी जिसमें हमें देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं चिपसेट का परफॉर्मेंस कितना ही बेहतरीन होता है और यही चिपसेट से रिलेटेड क्या कुछ और खबरें सुनने को मिल जाती है। एप्पल की बात करते हैं दोस्तों, भाई एप्पल की जो iOS 18 की अपडेट देखने को मिलेगी जिसमें कहा जा रहा है हमें इंटीग्रेटेड OpenAI ChatGPT चैटबॉट देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, वैसे ये अच्छी बात है। वैसे देखते हैं भाई एप्पल के डिवाइसेस में हमें iOS 18 की जो अपडेट है जो कि कितनी ही जल्दी देखने को मिल जाती है। सोनी की बात करें दोस्तों, भी सोनी ने अपनी अल्टी सीरीज को लॉन्च कर दिया है भारत में जिसमें हमें हेडफोन्स एंड स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। वैसे कुछ 4 प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया हुआ है। तो फिर सोनी के जो हेडफोन है जिसका नाम है सोनी अल्टवेयर, जिसकी प्राइस रखी है 16,990 रुपीज। जहाँ पर अगर स्पीकर के बारे में बात करें तो भाई 3 स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। जो बेस स्पीकर है जिसका नाम है सोनी अल्टफील्ड 1, जिसकी प्राइस रखी है 10,990 रुपीज। इसके बाद आता है सोनी अल्टफील्ड 7, जिसकी प्राइस रखी है 39,990 रुपीज। और जो टॉप ऑफ द लाइन स्पीकर है जिसका नाम है सोनी अल्ट टावर 10, जिसकी प्राइस रखी 89,990 रुपीज। जी हाँ, यानी काफी प्रीमियम प्रोडक्ट है ये। वैसे दोस्तों आपको इनमें से सोनी का कौन सा प्रोडक्ट पसंद आया हुआ है कमेंट में जरूर से बताइए। लावा की बात करें दोस्तों, लावा का अपकमिंग स्मार्टफोन लावा यूआ 5G, जिसका खुद से लावा ने टीजर रिवील कर दिया है कि ये स्मार्टफोन हमें देखने को मिलने वाला है 30 मई को। और टीजर से काफी सारी डिटेल्स भी पता लगी है यही स्मार्टफोन की। स्मार्टफोन में सर्क्यूलर कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलेगा जिसमें 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा वो भी AI फीचर्स के साथ देखने को मिलने वाला है। स्मार्टफोन के जो फ्रंट डिस्प्ले जिसमें हमें सेंटर पंचोल कटआउट देखने को मिल जाएगा, स्लिम बेजल्स होने वाले हैं, बॉटम साइड में हमें थिक चीन देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, वैसे इसके अलावा दोस्तों में स्पीकर ग्रिल्स एंड टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं स्मार्टफोन के क्या स्पेक्स रहते हैं और इसे किस कीमत पे भारत में लॉन्च किया जाता है। Redmi की बात करें दोस्तों, Redmi ने अपना Redmi A3X ये जो स्मार्टफोन जिसे लॉन्च कर दिया है पाकिस्तान में। वैसे दोस्तों ये Redmi A3 का चीपर वर्जन है और ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है हमें भारत में भी बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। वैसे ये स्मार्टफोन के अगर स्पेक्स के बारे में बात करें तो 6.71 इंच की हमें HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, वो भी 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन भी होने वाला है। वैसे दोस्तों स्मार्टफोन में हमें यूनिसॉक T603 चिपसेट की ताकत देखने को मिलेगी, 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी होने वाली है टाइप सी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। और ये स्मार्टफोन में हमें 3.5mm ऑडियो जैक भी देखने को मिलेगा। वैसे यही स्मार्टफोन की अगर कीमत की बात करें तो ये स्मार्टफोन का 3GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ आने वाला जो वेरियंट है जिसकी प्राइस पाकिस्तान में रखी है 18,000 रुपये, जिसे अगर अप्रोक्सीमेटली इंडियन करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाए तो कुछ 5,676 रुपये के आसपास हो जाता है। जहां पर इसी प्राइस के आसपास ये स्मार्टफोन हमें भारत में देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों ये स्मार्टफोन हमें कितनी ही जल्दी भारत में देखने को मिल जाता है। WhatsApp की बात करते हुए, WhatsApp लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को और बेहतरीन करने के लिए नए नए फीचर्स लाता रहता है। दोस्तों WhatsApp पर एक काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जा चुका है वेब बेटा इन्फो पर, जहां पर ये जो फीचर देखने को मिला है वो बिल्कुल Instagram जैसा ही लग रहा है कि भाई आप कोई स्टोरी वगैरह है वो अपने क्लोज फ्रेंड को शेयर करना चाहते तो वो कर सकते हो, यानी कि कोई और आपकी स्टोरीज को नहीं देख सकता। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप WhatsApp पर जो स्टेटस अपडेट करोगे वो आप अपने क्लोज ग्रुप में या फिर आप कोई पर्टिकुलर पर्सन को दिखाना चाहते हो तो वही देख सकते हैं, बाकी कोई और आपका स्टेटस नहीं देख सकता। जी हाँ, ये काफी अच्छा फीचर है। अब देखते भाई ये जो फीचर है जिसे कितनी ही जल्दी WhatsApp के ओर से ऑफिशियली रोल आउट किया जाता है। लेट्स सी।
काम के लिए की बात करें दोस्तों, अगर आपको चाहिए बियर्ड वगैरह सेट करने के लिए ट्रिमर, वो भी कम कीमत में, वो भी अच्छी ब्रांड का, तो ये जो डील है ना वो आपके लिए डेफिनेटली काम की होने वाली है। दोस्तों बॉम्बे शेविंग कंपनी के और से वाला पावर प्ले ट्रिमर अभी फिलहाल आपको काफी कम कीमत में अमेजोन पर देखने को मिल जा रहा है। और यही ट्रिमर के अगर कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो भी 75 मिनट का रन टाइम देखने को मिल जाएगा, फाइल एंड सेटिंग्स भी दिए गए। वैसे दोस्तों इसमें आपको 2 साल की डोर स्टेप रिप्लेसमेंट वारंटी भी देखने को मिल जाती है, यानी कि काफी अच्छा प्रॉमिस दिया जा रहा है कंपनी की ओर से। वैसे दोस्तों यही ट्रिमर की अगर कीमत की बात करें तो अभी आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाए सिर्फ 650 रुपीज में। वैसे काफी बेहतरीन डील है, अगर आपको चाहिए तो आप इसे जरूर से चेकआउट कर सकते हो, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करें दोस्तों, एस्टर ब्लड ऑफ मोनोलिथ ये जो नया गेमिंग टाइटल है जो कि 30 मई को रिलीज होने वाला है। वैसे दोस्तों ये गेम में हमें एस्टर करके एक कैरेक्टर देखने को मिल जाएगा जिससे आपको खेलना होगा। वैसे ये काफी बेहतरीन एडवेंचर एक्शन रोल प्लेइंग गेम होने वाली है, जी हाँ। और ये गेम आपको PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch, PC यानी कि सभी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। वैसे आप हमें ये बताइए दोस्तों, आपकी सबसे पसंदीदा रोल प्लेइंग गेम कौन सी है कमेंट में बताइए। तो बस आज की टेक न्यूज़ यहाँ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर आप जरूर से नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए कीप ऑलवेज स्माइलिंग, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।